हेलो बेटा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपके साथ द हॉट डेजर्ट की कुछ चीज़ें शेयर कर लूँगी, एंड मैंने आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी दी है ऊपर, तो इसमें मैंने आंसर ओरली नहीं करवाए, आप खुद ही कर लेना। बाकी टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलअप्स एंड ट्रू एंड फॉल्स ये मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आप लर्न कर लेना अपने ओरल टेस्ट के लिए भी। एंड बुक से मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? तो मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आपको नहीं आए, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हॉट डेजर्ट के बारे में, बेटा आप सभी को पता है हॉट डेजर्ट जो तो बहुत गर्म रेगिस्तान होते हैं ना, तो डेजर्ट सबसे पहले आपको डेजर्ट क्या है। डेजर्ट एक ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत कम ही बारिश होती है, बहुत कम या फिर ना के बराबर वहाँ पर बारिश होती है, और जो डेजर्ट है वो दोनों मतलब हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। डेजर्ट जो होता है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट डिफर जनरली इन अपीयरेंस एंड द काइंड ऑफ लैंडफॉर्म दे कवर। सम डेजर्ट हैव माउंटेन। देखो डेजर्ट जो होता है अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ डेजर्ट के पास माउंटेन्स होते हैं, कुछ प्लेन होते हैं, कुछ में ह्यूज सैंडन्स होते हैं, मतलब रेगुलर वो रेत के मतलब पहाड़ से बने हुए होते हैं, है ना? एंड कुछ जो होते हैं रॉकी प्लेट्यू होते हैं कुछ डेजर्ट्स में, बट ऑल डेजर्ट्स हैव कॉमन सब, लेकिन डेजर्ट के जो फीचर्स हैं वो सबके कॉमन होते हैं, जहाँ के पानी बहुत ज़्यादा, अगर डेजर्ट ही एरिया तो पानी ऑब्वियसली है वहाँ पे कम पाया जाता है। और डेजर्ट जो है वो मिलता है 15 डिग्री एन से लेकर 30 डिग्री एन तक, है ना, इन द साउथ हेमिस्फीयर। सेम साउथ हेमिस्फीयर जो डेजर्ट है वहाँ वो डेजर्ट हॉट डेजर्ट है, उनको ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहते हैं, है ना? एंड ये किस में आते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको कुछ हॉट डेजर्ट्स के नाम दिए, जैसे सहारा, कलहकहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, है ना, मैक्सिकन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये हॉट हैं। और कोल्ड की बात करें, इसमें गोबी डेजर्ट जो है जो कि मंगोलिया में है एशिया में, और ये डेजर्ट जो होते हैं सेंट्रल एशिया द कूल डेजर्ट ऑफ, जो कि सेंट्रल एशिया के जो कूल डेजर्ट हैं वो है वेरी, वहाँ पर जो क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है विद हॉट समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। समर्स में तो वहाँ पे गर्मी रहती है, और आपको हमने लास्ट टाइम चैप्टर भी पढ़ा था, तो क्या होता है रेत बहुत जल्दी ठंडी होती है, रेत बहुत जल्दी गर्म भी होती है, तो रात में जो बहुत ठंड होती है एंड दिन में बहुत गर्मी होती है ना? एंड वो क्या है, हायर लैटिट्यूड पे होते हैं, तो और सी से जो होते हैं काफ़ी फर अवे फ्रॉम द सी। जो कोल्ड डेजर्ट हैं वो पाए जाते हैं पोल्स में एंड द आर्कटिक एंड द अटलांटिक सर्कल में, जैसे कि थंड्रा इन द रशिया, ये डेजर्ट हैं जो कि रशिया में पाए जाते हैं। इन द कोल्ड डेजर्ट टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीम लो, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, एंड दीज डेजर्ट्स डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट वेजिटेशन क्या है नहीं है, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ के क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बेटा बताई दी है कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, आपको पता है कि जैसे बारिश वहाँ पे कम होती है, और वहाँ पे जो प्लांट्स लाइफ वगैरह है वो बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत कम हो वेजिटेशन है, एंड जैसे कि मैं दिन में बहुत ज़्यादा ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि रेत जो होती है बहुत जल्दी, मैंने अभी बताया था, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके वजह से क्या है कि जो रेत अगर ठंडी हो गई तो मौसम जो होता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म हो गई तो बहुत जल्दी ही ये गर्म हो जाती है, क्योंकि इसको गर्म एंड ठंडा होने में टाइम नहीं लगता है। एंड वहाँ पर जो हैवी विंड्स हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहती है, मतलब उड़ती है हवा, तो जिससे कई बार ये सैंडन्स फॉर्म करते हैं, मतलब वो बनाते हैं, ठीक है? ये ऐसे वहाँ का जो है क्लाइमेट रहता है। अगर प्लांट लाइफ की बात करें, तो बेटा प्लांट लाइफ जो है यहाँ की जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि पानी बहुत कम रहते हैं, जो ट्रीज़ और शब्स हैव इनकी जो इन ट्रीज़ और शब्स जो भी यहाँ पे उगते हैं, तो क्या होता है तो इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कैक्टस है, आपने कैक्टस में देखा उसमें लीव्स नहीं होती हैं, है ना, वो अपना अगर उसमें देखेंगे उसको तोड़ेंगे तो अपना पानी जो है अपने उसमें, मतलब रूट्स जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं इनकी, जो पानी नीचे से ऊपर यही क्या कर लेती हैं, खींच लेती हैं। इसमें आपको कुछ ट्रीज़ के नाम भी देख रखे हैं आपको, ठीक है, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा, पानी के तालाब से मिलने देखने को मिलेंगे, जिसको हम ओशिस के नाम से भी जानते हैं। एंड ओशिस आपको पता है एक ऐसा एरिया होता है मतलब रेगिस्तान में जहाँ के पानी होते हैं, उसके आस पास जो होते हैं कई लोग क्या है क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो कर लेते हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर लिए, और वहाँ पर डेट प्लम वगैरह की आपको पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं।
जाता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है तो मिट्टी थोड़ी बहुत फर्टाइल होती है वहाँ पे, ठीक है। एनिमल्स की लाइफ करें तो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है फॉक्सेस, जरबोज एंड इंसेक्ट, जैसे काफ़ी से इंसेक्ट्स के नाम दिए, एनिमल्स हो गया, आपको सारा इसमें लिखा हुआ है। एंड सबसे मोस्ट और यूज़फुल अगर एनिमल की बात करें जो कि यहाँ पे पाया जाता है वो है आपका कैमल, जिसको हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। कैमल को हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये रेगिस्तान में कुछ भी सामान और जैसे पानी लाना होता है या फिर कुछ भी काम के लिए जो ये जो होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके जो पैर हैं वो रेत में धंसते नहीं हैं, जैसे कि बिल्कुल इतने सॉफ्ट गद्देदार पैर होते हैं, अगर रेत अगर पैर रखोगे तो आपका पैर खुद ही खुद नीचे काफ़ी वेट नीचे चला जाएगा, बट इसके पैर इतने गद्देदार होते हैं तो उसमें धंसते नहीं हैं रेत में। और ये अपना खाना और वो है जो अपने हम्ब में मीन जिसका कूबड़ होता है उसमें पानी जो है स्टोर कर लेता है और कई महीनों महीने तक इसका पानी चल जाता है। तो जैसे कि आपको पता है डेजर्ट में पानी कम मिलता है तो उसकी वजह से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं मिलती। और जब यहाँ पे बहुत हैवी स्टॉर्म चलता है, बहुत तूफान चलता है रेतीले स्थान पे, तो क्या करते हैं यहाँ पे जो लोग जो होते हैं वो इसके नीचे जाके बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं अपने आप को सेफ कर लेते हैं, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल करते काफ़ी आंधी आ गई तो इससे वो बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत यूज़फुल एनिमल है डेजर्ट का। सैंड स्टॉर्म्स वहाँ पे मैंने बताया चलते हैं, ठीक है। तो देखो लिखे हाँ आईलैशेज, उसकी जो आपने देखा होगा शिप की जो पलके होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, आईलैशेज बहुत बड़ी होती है, तो वो क्या कर लेते हैं जैसे कि तूफान आता है तो अपनी वो आँखें क्लोज कर लेता है फिर, या फिर जो उसकी आईज होती है वो उसकी जो आईलिड्स होती हैं उनसे वो प्रोटेक्ट हो जाता है ना, और वो अपना खाना सेव करता है और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अगर हम यहाँ की ह्यूमन लाइफ की बात करें तो बेटा ऑब्वियसली बात है जो लाइफ होगी यहाँ के लोगों की बहुत डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि पानी बहुत कम मिलता है एंड वेजिटेशन बहुत कम होती है, कुछ भी ये प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं एंड एग्रीकल्चर खेती वेती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग कई ज़्यादा जो है कैटल रेयरिंग करते हैं, मीन्स पशुपालन करते हैं, जैसे कि वो शिप एंड गोट पाल लेते हैं, हॉर्सेस पाल लेते हैं, कैमल करते हैं, है ना। तो और फिर यहाँ पे तुम्हें पता है वाटर की कमी होती है, फूड और पास्टर फॉर द कैटल दे आर फोर्स टू मूव, इसी वजह से क्या होता है इनको क्या करना मूव करना पड़ता है, किस वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती है तो ये मूव करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने एनिमल्स को भी कैरी करते हैं ताकि उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए क्योंकि यहाँ पे पानी और खाने की कमी यहाँ पे रहती है। जो मार्चन और फिर हमें लिखा मार्चन और द ट्रेडर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मार्चन और जो ट्रेडर्स होते हैं वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस विद अपने गुड्स के साथ, है ना। एंड उसके बाद आपका है यहाँ पे, ठीक है, कारपेट डेट्स रोप एंड द फूड ग्रेन, एट प्रेजेंट द यूज़ ऑफ कैमल हैज़ बिन द रिप्लेस बाय द जीप्स एंड, जो पहले तो कैमल्स काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अब वो रिप्लेस्ड हो गई है जीप्स एंड वैन्स में। फार्मिंग भी यहाँ पे होती है ओशीज़ के पास, जैसे मैंने आपको बताया ओशीज़ वहाँ पे एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पानी होता है और जहाँ पे पानी की वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर समर्स की बात करें तो जैसे कि राइस हो गया, मिलेट हो गया, मेज हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती है। एंड डेट पलम भी यहाँ पे मोस्ट कॉमन डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। मीनिंग जो है आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है जहाँ पे क्या मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। जो सारा डेजर्ट है वो आयरन ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिच है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कॉपर और नाइट्रेट जो है वो भी यहाँ पे एटेकेमा डेजर्ट में पाया जाता है। आयरन इराक, कुवैत एंड सऊदी अरब जो है पेट्रोम के लिए काफ़ी ज़्यादा रिच है, मतलब समृद्ध है, वो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब बेटा उसके बाद आपको रिव्यू अगर पढ़ लेना न्यू व्हाट्सएप कॉपी में कर लेना, एंड इसकी एक्सरसाइज है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आंसर ओरली ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड टिक मार्क मैंने करवा दिए हैं, फिलअप मैंने आपको करवा दिए हैं एंड ट्रू फॉल्स करवा दिए हैं, है ना। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहले का सेकंड है, दूसरे का भी सेकंड है, थर्ड का
फोर्थ है एंड फोर्थ का भी फोर्थ है ना। अब फिलिप पे अगर हम आएंगे तो पहले का आंसर हॉट है, दूसरे का जी ओ बी आई है, एंड तीसरे का बॉचल है, एंड फोर्थ का हम है, एंड फिफ्थ का आयन है। ट्रू फॉल्स में पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, देन ट्रू है, देन फॉल्स है। ठीक है, ये आप कॉपी में कर लेना एंड प्लीज़ लर्न भी कर लेना आपके ओरल टेस्ट के लिए। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा तो यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।